कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ तीसी यानी कि अलसी की पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। दोस्तों, ये पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। गाइज, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए जल्दी से ये पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया एक कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड की हूँ सौंफ और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे तीसी को। तो सभी तीसी को मैंने कढ़ाई में ऐड कर लिया और अब इसे हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो दोस्तों, हम इसे लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जब हम इसे चलाते हुए भूनेंगे तो देखिएगा, ये जो है अपने आप चटकने लगेगा और इसमें से एक अलग सा जो है साउंड आने लगेगा। देखिए गाइस, ठीक इसी तरह से। तो इसे ढकते हुए अच्छे से चलाते हुए हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से भून लेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से मैंने चलाते हुए ढकते हुए धीमी आंच में मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया। तो ये भूनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक आगे मैंने लिया एक बाउल। बाउल में ऐड करेंगे गेहूं का आटा। तो इस चम्मच से मैंने 4-5 चम्मच गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे घी। घी को डालकर हम इसे आटे पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हाथों से मिलाते हुए हमें घी को आटे पर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो घी जो है आटे पे अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए हम जो है आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। ठीक हम जिस तरह से रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, उसी तरह का आटा हमें जो है गूंथ कर तैयार कर लेना है। तो दोस्तों, पानी ऐड करते हुए मैंने जो है अच्छे से आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, आटा जो है तैयार हो गया है। चलिए अब इसे लीड लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आगे हमारा जो अलसी यानी कि तीसी है वो ठंडी हो गई है, तो इसे हम मिक्सी जार में डाल ले रहे हैं। मिक्सी जार में डालकर लीड लगाकर हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब इसे हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं और यहाँ पर मैंने लिया है गुड़। इसे हम इसमें ऐड कर लेंगे और हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, इसी तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, वो तैयार हो गया। यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं, तो लीड खोलकर देख लिया है, आटा जो है अच्छे तरीके से सेट हो गया है। तो चलिए हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो हाथों से हमने इसे अच्छे से मसल लिया है और इस तरह से सूखा आटा थोड़ा हाथ में लगाएंगे और थोड़ा सा लोई जो है हाथ में ले लेंगे और इस तरह से दोनों हाथों की मदद से हम इसे गोल कर लेंगे
और अब इसे हम सूखे आटे पे लगाएंगे और दोनों अंगूठे की मदद से इस तरह से दबाते हुए कटोरी का शेप देंगे जिसके अंदर हम स्टफिंग को भर सके। तो दोस्तों इस तरह से हमें इसे तैयार कर लेना है और अब हमने जो तीसी का पाउडर तैयार किया है उसे इसमें ऐड कर लेंगे और इस तरह से दबा देंगे और अब इसके सर के सिरे को हम अच्छे से बंद कर लेंगे। तो इस तरह से दबाते हुए दोनों उंगलियों की मदद से हम इसे अच्छे से पैक कर लेंगे और बचे हुए हिस्से को इस तरह से अलग कर लेना है। और इस तरह से अब मैंने इसे प्रेस अच्छे से कर लिया है और अब इस पे हम सूखा आटा डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से हम इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए अच्छे से बेल लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से घुमाते हुए हमें प्रेस करते हुए इसे अच्छे से बेल लेना है। बहुत ज्यादा प्रेस मत कीजिएगा, हल्का हल्का प्रेस करते हुए हम इसे घुमाते हुए अच्छे से बेलेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमें बेल कर तैयार कर लेना है। तो सभी पराठे को हम इसी तरह से बेल लेंगे। चलिए अब इसे हम पकाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया था तवा, तवे को अच्छे से गर्म किया और इस पर पराठा जो है सिकने के लिए डाल दी हूँ। तो थोड़े देर के बाद हम इसे चेक करेंगे कि ये एक तरफ से अच्छे से पकी है कि नहीं। तो दोस्तों ये एक तरफ से पक गई थी तो मैंने इसे पलट लिया और इसे हम दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो गाइस देखिए ये अच्छे तरीके से पक गई है। तो अब इसमें हम ऊपर से घी ऐड करेंगे। ये पराठे जो है अपने आप खिल जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह से मैंने घी अच्छे से डाल लिया और इस तरह से पलटते हुए हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो दोस्तों पराठे हमें सभी तरफ से अच्छे से सेक लिया है। चलिए अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सभी पराठे को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों तैयार है तीसी के ये स्वादिष्ट पराठे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है, तो आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और ऐसी ही इजी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। जब तक के चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।